प्रेषित में हम आपको एक ऐसे डॉक्टर की करतूत बताते हैं जो इतने जल्दी में थे कि नाम की गलतफहमी से सिर में लगी चोट में इलाज करने की जगह पैर की सर्जरी करने लगे। हैरानी की बात यह है कि देश के किसी दूर दराज या पिछड़े इलाके में नहीं, देश की राजधानी दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल में ये हुआ। बताइए, ये दिल्ली की घटना है। डॉक्टर साहब ने एक तो मरीज का गलत इलाज कर दिया, ऊपर से जब परिवार वालों ने शिकायत की तो सीनाजोरी भी की। अब ऐसे सरकारी झोला छाप डॉक्टर से देश को बचाना देश हित में बहुत जरूरी है। सिर पर चोट लगी थी, पैर की सर्जरी कर दी। गाजियाबाद के मंडेला गांव के विजेंद्र त्यागी को बाइक से गिरने की वजह से सिर पर चोट लगी थी। इलाज के लिए परिवार वालों ने दिल्ली के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में 17 अप्रैल को भर्ती करवाया था, लेकिन विजेंद्र अस्पताल से 4 दिन बाद राहत की जगह पैर की हड्डी में छेद का दर्द लेकर वापस लौटे। कंधा टूट रहा था। फिर पांव में दर्द कैसे हुआ? पाँव में दर्द हो जाए, इन्होंने कुछ चलाया इसमें। अच्छा, ना कुछ नहीं सामने। जिस वार्ड में विजेंद्र एडमिट थे उसी वार्ड में वीरेंद्र नाम का एक मरीज भी था जिसके पैर में फ्रैक्चर था। फिर कही तो इनके पैर में तो कुछ नहीं था, ये तो है इनके एक्सरे में इनके वो आ रही है रिपोर्ट। अब फिर थोड़ी देर में फिर उन्होंने फाइल वाइल देखी तो कहने लगे तो गलती से पड़ गई। डॉक्टर ने सिर की जगह पैर की सर्जरी कर दी, ड्रिल करके पैर में लोहे की रॉड डाल दी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उल्टे परिवार को ही शिकायत करने पर इलाज रोकने की धमकी दी। 21 तारीख की बात थी, सुबह को 6 बजे वो आए और कहने लगे कि मेरे मम्मी थे वहाँ पे कि आप इस पे वो कर दीजिए एक सिग्नेचर और आप अपने पेशेंट को लेके यहाँ से आप जाओ। अस्पताल प्रशासन नाम की गलतफहमी का हवाला देकर इसे छोटी सी भूल बता रहा है। इस लापरवाही पर सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर का पक्ष जानने की हमने कोशिश की। यहाँ के प्रमुख डॉक्टर अजय बहल ने कैमरे पर तो कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा माना कि डॉक्टर से लापरवाही हुई है। पवन नारा, जी मीडिया।